ऐसा कमी होता है कि पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए बेटा या बेटी इतना आगे निकल जाए कि उनके परिजनों को उनके नाम से बुलाया जाने लगे। अब लोगों के बीच बाबूजी के नाम से विख्यात जगजीवन राम को कौन नहीं जानता। दलितों और पिछड़ों की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी बेटी मीरा कुमार की, जो अपने राजनीतिक करियर के दौरान 5 बार संसद की सदस्य और 2017 के चुनाव में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की उम्मीदवार रह चुकी हैं। मीरा कुमार ने 2009-2014 की अवधि के दौरान लोकसभा की पहली महिला स्पीकर होने का भी सम्मान प्राप्त किया है। मीरा कुमार का बिहार से खास लगाव होने का एक कारण ये भी है कि पिता जगजीवन राम को भी वहाँ की माटी में अपनापन मिलता था। बिहार की संस्कृति से दूर रहने के बावजूद भी मीरा कुमार ने कभी यहाँ के रिवाजों से समझौता नहीं किया। 72 वर्षीय मीरा कुमार ने, जो पेशे से एक वकील और पूर्व राजनेता भी हैं, मनमोहन सिंह की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। सुखद, विनम्र लेकिन एक अलग व्यक्तित्व वाली मीरा कुमार को भारतीय विदेश सेवाओं के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ और मीरा कुमार ने स्पेन, मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम सहित विदेशी दूतावासों में कार्य किया। मीरा कुमार अनुसूचित जाति की हैं और उनका जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। मीरा कुमार के पिता जगजीवन राम एक प्रमुख दलित नेता और भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री थे। मीरा की माँ इंद्राणी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। मीरा कुमार ने विलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर से अपनी शिक्षा पूरी की है। मीरा कुमार ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से MA और LLB में स्नातक कोर किया है। मीरा कुमार ने वर्ष 2010 में बनस्थली विद्यापीठ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मीरा कुमार एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी घुड़सवार भी हैं और राइफल शूटिंग में भी पदक जीत चुकी हैं। वह स्पेनिश भाषा बिना अटके बोलती हैं। मीरा कुमार का विवाह उच्च न्यायालय के वकील मंजूल कुमार से हुआ है। वो कंपनी JK एग्री प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 50% की हिस्सेदार भी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियाँ। मीरा कुमार ने MA और LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1973 में एक राजनयिका के रूप में भारतीय विदेशी सेवा में अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1984 में मीरा कुमार और उनके कार्यकाल के दौरान इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन में नियुक्त किया गया था। साल 1980 में मीरा कुमार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्य बनी थी। जब मीरा कुमार उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने भारतीय विदेशी सेवा छोड़ दी थी और वर्ष 1984 में राजनीति में शामिल हो गई थी। मीरा कुमार ने उस चुनाव में 2 दलित नेता मायावती और रामविलास पासवान सहित कुछ प्रमुख दिग्गज नेताओं को हराया था। दिल्ली के करोल बाग के 6वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा की सदस्य रहीं। साल 1996 में मीरा कुमार को कुछ भाजपा प्रतिद्वंदियों की वजह से अपनी सीट गंवानी पड़ी। हालांकि साल 2004-2009 में अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र बिहार के सासाराम से वो दोबारा चुनी गईं। मीरा कुमार साल 2014 में छेदी पासवान से मात्र 327 मतों के अंतर पर बिहार के सासाराम से चुनाव हार गई थीं। साल 2009 में मीरा कुमार ने लोकसभा स्पीकर पद पर नामांकित होने से पहले कुछ दिनों तक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर सम्मानित पद के लिए निर्विरोध चुनी गई। मीरा कुमार साल 2009 से 2014 तक इसी पद पर कार्यरत रहीं। मीरा कुमार का उद्देश्य जाति के बजाय विचारधारा के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। मीरा कुमार की विचारधारा में लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशन, सामाजिक न्याय, प्रेस की स्वतंत्रता और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण जाति व्यवस्था को समाप्त करना शामिल था।